नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन लाइफ। तो बॉलीवुड में खलनायकों का एक ऐसा दौर रहा है जब उनके बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी। वो फिल्म का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे जिसके लिए एक से बढ़कर एक धांसू डायलॉग लिखे जाते थे। पर्दे पे जब खलनायक आता था तो उसकी बातों से लोग डर जाया करते थे और उसे देखकर नफरत तक करने लगते थे। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म में महज 3 शब्द बोलकर कोई खलनायक हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले के मशहूर खलनायक मोहन, जिन्हें मैक मोहन भी कहा जाता है, जिन्होंने सांबा का रोल कर अपने जीवन को अमर बना लिया। मैक मोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 में ब्रिटिश भारत के कराची में हुआ था। उनके पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी के कर्नल थे। आपको जान के हैरानगी होगी कि वे मशहूर अदाकारा रवीना टंडन के मामा भी थे। 1940 में मैक के पिता का ट्रांसफर हुआ और वो लखनऊ आ गए। मैक ने लखनवी में पढ़ाई की और वहाँ उनकी दोस्ती सुनील दत्त से हो गई। कॉलेज से ही मैक ने थिएटर शुरू कर दिया था और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग भी सीखी। वैसे मैक ने बॉलीवुड में करीब 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 1946 में उन्होंने हकीकत फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर भी आए। जंजीर, सलाखें, सत्ते पे सत्ता, डॉन, दोस्ताना और काला पत्थर। हालांकि जिस फिल्म के लिए मैक को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो थी फिल्म शोले। फिल्म शोले में मुख्य खलनायक गब्बर यानी अमजद खान थे। हालांकि इसमें मैक सांभा के किरदार में दिखाई दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में उनके बहुत से सीन काट दिए गए थे और सिर्फ एक ही सीन रखा गया था। इसमें वो गब्बर से सवाल, कितने इनाम रखी है सरकार हम पर, का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बोलते हैं पूरे 50,000। सिर्फ इन 3 शब्दों से ही इस फिल्म में उनका किरदार हर किसी को याद रहा। दोस्तों, मैक ने बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में खलनायक का ही किरदार निभाया है। हालांकि वो खुद को चमचा विलेन मानते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पीटते कम है और पिटते ज्यादा है, क्योंकि उन्हें सोफिस्टिकेटेड लड़ाई ज़्यादा पसंद थी। उन्हें शायरी का भी काफ़ी शौक था। साल 2010 में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट नाइन लाइफ से आकाश।